इम्पॉर्टेंट यह नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट यह है कि आप कितनी मेहनत किस दिशा में कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू प्रिपेयर मैथ सेक्शन फॉर असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम। दोस्तों, आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको लोको पायलट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी, और मैंने उसमें कहा था कि मैं आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट, जैसे हमारा मैथ्स का सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। तो यही टॉपिक ये वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आपकी मैथ्स की आपको तैयारी कैसे करनी है असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें मैं तीन पॉइंट्स में आपसे बात करूँगा। पहला पॉइंट है मेरा सिलेबस के बारे में, जिसमें मैं आपको मैथ्स के सिलेबस समझाऊंगा। दूसरी बात रहेगी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, भाई क्या आपने स्ट्रेटजी बनानी है, क्या आपने टेक्निक्स बनानी है, क्या आपने एक्शन प्लान बनाना है, क्या डूज है, क्या डॉन्ट्स है आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए। और तीसरा जो मेरा पॉइंट रहेगा दोस्तों, वो है बुक्स एंड स्टडी मटेरियल, हेल्पफुल बुक्स एंड स्टडी मटेरियल, जिससे कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो आइए सबसे पहले बढ़ते हैं सिलेबस की ओर, आपके सिलेबस की ओर बढ़ते हैं, जानते हैं कि मैथ्स का सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मैंने एक टेबल बनाई है, सारे टॉपिक्स जो 19 टॉपिक्स मैंने लिस्ट आउट किए हैं, ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि RRB ने ये लिस्ट निकाली है कि इस वाले टॉपिक से इतने सवाल पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ जो आपका सिलेबस जो आता है उसमें मोटा मोटा लिखा रहता है, पर एग्जैक्ट डिटेल आपको नहीं मिल पाती है। पर इसमें हमने ये किया है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसकी हमने एनालिसिस की है, और हमने देखा है कि ऑलमोस्ट इसी पैटर्न में आपका लोको पायलट का एग्ज़ाम RRB कंडक्ट करवाती है। और इसमें ये हो सकता है कि अगर मैं बता रहा हूँ कि तीन सवाल किसी से आ रहे हैं, तो हो सकता है दो आए, हो सकता है चार आए, पर मोटा मोटा हम समझेंगे कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, आपको उसकी कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपके मैथ्स के सिलेबस की। तो देखिए, मैथ्स के सिलेबस में फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज परसेंटेज है, जिससे आपके दो क्वेश्चन आएंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रतिशतता। सेकंड है हमारे क्वेश्चन रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक है, अनुपात के, जिसमें रेशियो वाले सवाल होते हैं, आपके सिक्के वाले सवाल आ जाते हैं, कई सवाल बनते हैं रेशियो प्रपोर्शन में। फिर तीसरा जो है हमारा, वो है औसत वाला, एवरेज वाला सवाल है, उससे आपके एक क्वेश्चन बनते हैं। आपका जो फोर्थ है वो है मेंसुरेशन, 2D और 3D दोनों ही जिसमें है, और इससे आपके बनते हैं तीन क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, और इसमें डिस्काउंट भी आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि डिस्काउंट भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छूट, ठीक है। तो इससे भी आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। मिक्सर एंड एवरेज से आपका एक प्रश्न बनता है, और एजेस से भी आते हैं प्रश्न, आपके नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पे भी आते हैं, दो मार्क्स आते हैं इससे। फिर आपका है सीरीज, कि भाई एक नंबर दे रखा है, बताइए कि इसका 37th नंबर कौन सा होगा, या फिर 100th नंबर कौन सा होगा, उस टाइप के सीरीज वाले सवाल बनते हैं। फिर आपके सवाल बनते हैं LCM और HCF में भी इसमें आता है। फिर आपका आता है सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण पे आपके क्वेश्चन आते हैं, बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया होता है, आपको उसको उसका शॉर्ट में उसका आंसर कैलकुलेट करना होता है। फिर है आपका वर्क एंड टाइम, कार्य व समय, जिसमें ये आता है कि भाई चार मजदूर है और एक काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो अगर 5 मजदूर उसको करेंगे तो कितने समय में करेंगे, तो उस टाइप का जो क्वेश्चंस है वो इसमें आते हैं। फिर आइए बढ़ते हैं स्पीड एंड टाइम पे, समय व वेग पे, इससे आपका एक क्वेश्चन आता है, और इसमें अक्सर आपके रेल के आधार पर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये रेलवे का ही एग्ज़ाम है कि भाई ट्रेन जा रही है, एक पोल है उसको पार कर रही है, तो उसकी गति ये है, कितने समय पे उस पोल को पार करेगी, या दो ट्रेन जा रही है आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, कितने समय में वो क्रॉस करेगी, कितना समय उसको लगेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। फिर एक आता है आपका SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज एंड साधारण ब्याज, तो उस पर आपके अराउंड एक सवाल आता है। फिर आपके हैं पाइप एंड सिस्टम, नल व हौज, इस पर भी आपके कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका आता है एल्जेब्रा, बीजगणित, इस पर भी आपके सवाल बनते हैं। फिर आपका है लॉगरिथम,
लॉगरिथम पे भी कई बार सवाल आते हैं, और 18th है आपका ज्योमेट्री, ज्योमेट्री पे एक सवाल आता ही आता है, और फिर बोट्स नाव पे आता है, नाव ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, तो उस पर आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कि कौन से टॉपिक, पहली बात तो आपने यहाँ पे ये देखी कि कौन कौन से टॉपिक है जो आपको तैयार करने हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और दूसरी बात आपने ये देखी कि कौन से टॉपिक के आगे कितना मार्क्स लिखा है, मतलब इतना इसका वेटेज आता है। ठीक है, अब इसकी फर्दर एनालिसिस हम अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें करेंगे, पर पहले आप अवगत हो जाइए कि कौन कौन से आपके टॉपिक्स इसमें है और उनकी वेटेज क्या है। अब इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, जो ये आप इसको काउंट करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो टोटल मिला के आपका आएगा 18 क्वेश्चंस आपके इसमें बनते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज 2 की जगह 3 भी हो सकता है, मेंसुरेशन 3 की जगह 2 भी हो सकता है, पर मोटा मोटा इसमें मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है। अच्छा, सब टोटल जो है हमारा 18 है, और आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये स्टार आपने लगाया हुआ है इसका क्या मतलब है। स्टार का मतलब ये है कि इन स्टार से बाकी जो ये जिसके आगे मैंने नंबर नहीं लिखा, जिनके आगे मैंने स्टार लिखा है, इसका मतलब है कि इनसे ये 2 क्वेश्चन आएंगे, बाकी ये 2 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल मिला के आपके हो जाएंगे 20 मार्क्स। तो कहने का मतलब ये है कि 18 क्वेश्चन तो आपके बाकी इनसे आ गए, और ऐसा हो सकता है कि एक सीरीज का आ गया, एक एलसीएम का आ गया, या फिर एक एज का आ गया, एक आपका लॉगरिथम पे आ गया, एक आपका एलजेब्रा पे आ गया, एक आपका बोर्ड्स पे आ गया। तो ये इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी जो पीडीएफ है, ये यूट्यूब चैनल है हमारा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे मैंने इसका लिंक दिया है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए और अपने पास में रखिए, जिससे आप जैसे तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए ये टॉपिक आते हैं, इस वेटेज के अनुसार मुझको इस टॉपिक को कवर करना है। दोस्तों, अब हम समझ चुके हैं कि मैथ्स का सिलेबस क्या है आपके असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम के लिए। अब हम बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट फेज इस वीडियो का वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे कि क्या स्ट्रेटजी बनानी है, क्या आपकी एनालिसिस है। तो ये जो हमने मैथ्स का सिलेबस पढ़ा, समझा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को जाना, अब हम पॉइंट हमारा सबसे पहला रहेगा एनालिसिस का कि इससे हम क्या एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कहूँगा इसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन है, कौन से का सबसे ज़्यादा वेट है, आइए वो जानते हैं। तो जैसा आप बोर्ड में देख रहे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है आपका 2 मार्क्स का, जैसे परसेंटेज आपका आ रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन आ रहा है, मेंसुरेशन जिसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, और एक नंबर सिस्टम है जो भी आपका 2 मार्क्स का है, और आपका प्रॉफिट लॉस जो है वो 2 मार्क्स का है। तो कहने का मतलब है कि 20 मार्क्स में से 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11, तो 20 में से 11 यानी कि 50% से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से आएंगे। तो दीज टॉपिक्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूँगा आपसे कि इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है आपका परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद में आपके बाकी आते हैं। आप बोलेंगे कि सर जब इसके भी 2 मार्क्स है, इसके भी 2 मार्क्स है, तो आपने इन टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा, इनसे ज़्यादा अहमियत क्यों दी। उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो मैथ्स की, आपके गणित की बेस है, फाउंडेशन है। अगर ये आपके सही नहीं होते हैं तो इसका असर आपके बाकी के सभी चैप्टर्स पे पड़ेगा, सभी की परफॉर्मेंस में आपका इसका असर पड़ेगा, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर में भी यूज होता है, परसेंटेज का फंक्शन आपका वर्क एंड टाइम में भी आता है, आपका रेशियो प्रोपोर्शन एजेस में भी आएगा, आपका नंबर सिस्टम में भी आएगा, आपका पाइप एंड सिस्टम में भी आएगा, आपका स्पीड एंड टाइम में भी आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2 जो टॉपिक है ये आपके बहुत बहुत अच्छे होने चाहिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है,
आपके ये, और उसके बाद आपका नंबर आ रहा है मैंसुरेशन का, प्रॉफिट लॉस का और नंबर सिस्टम का। तो ये बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए, इनको तो आपको बहुत अच्छा बनाना है। तो हमारी पहली बात हो गई कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। दूसरी बात मैं आपसे इसमें दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, ये जो ब्रोशर है हमारा लोको पायलट का, इसमें आप जो है यहाँ पे आप जाइएगा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में, सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हैं। तो दूसरा पॉइंट इसमें ये है दोस्तों कि जो लॉगरिथम वाला है एक टॉपिक, इसमें कभी क्वेश्चन आते हैं कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर अक्सर देखा गया है ये जो दो मार्क्स जो रह गए थे स्टार के, उसमें आरआरबी जो है लॉगरिथम से क्वेश्चन पूछती है। अब देखिए लॉगरिथम को भी मैं इम्पोर्टेंट ले रहा हूँ, इसको भी मैं तवज्जो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लॉगरिथम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत मतलब कम प्रकार के होते हैं। मतलब आपने अगर इसके 10-11 क्वेश्चन भी अगर आपने लॉगरिथम के कर लिए और अगर एग्जाम में अगर ये लॉगरिथम आ गया तो आप वो एक नंबर इससे पाएंगे। और मैंने देखा है प्रीवियस ईयर एग्जाम का, आप भी एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि लॉगरिथम के क्वेश्चन जनरली इस एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो इसकी मेरी वीडियो लेक्चर आप, मैंने लोको पायलट के हिसाब से स्पेशल बनाई है लॉगरिथम के हिसाब से, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम जो प्रीवियस ईयर के थे उनके मैंने सभी क्वेश्चंस लिए हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी लॉगरिथम चीज़ तो अच्छे से हो जाती है। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये था लॉगरिथम वाली मैंने बात कही आपसे। और हाँ, तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो मैं ये कहूँगा आपसे कि कैलकुलेशन स्पीड के बारे में आपसे मैं बात करूँगा, चर्चा करूँगा। जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था लोको पायलट वाले कॉमन वाला जो था हमारा, कि देखिए मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा आपका समय लगता है और उसमें भी जो कैलकुलेशन पार्ट है उसमें आपका 70% समय लगता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सवाल आप 100% इसको टाइम दे रहे हैं तो आपको जो आपने इक्वेशन बनाई समीकरण निकल के आ गया वो लेगा 30% टाइम, और बाकी जो टाइम है जिसमें आपने कैलकुलेशन करनी है फाइनल आंसर तक पहुंचना है वो आपका समय ले लेगा 70%। तो अगर मैथ्स में आपको विजयी बनना है, मैथ्स में आपको 90 मिनट्स में ये सारे ये और बाकी सब टॉपिक्स आपको करने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कैलकुलेशन स्पीड की। कैलकुलेशन स्पीड कैसे तेज करनी है उसके लिए मैंने के स्पेशल वीडियोस बनाए हैं, उनको आप जरूर देखिए, जिसमें छोटी छोटी बात कि कैलकुलेशन कैसे करना है, आपका गुना, आपका भाग, प्लस माइनस, आपका स्क्वायर कैसे फटाफट निकालना है, क्यूब कैसे फटाफट निकालना है, वो तमाम बातें मैंने इस कैलकुलेशन स्पीड वाले वीडियो में कर रखी है। तो इसको आप जरूर देखें जिससे आप कम समय में मैथ्स के सवालों को कर पाएं, ठीक है। तो जो तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो है कैलकुलेशन स्पीड का। तो पहला पॉइंट मैंने बता दिया कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा मैंने बताया था एक टॉपिक है छोटा लॉगरिथम का, बहुत छोटा टॉपिक है पर अगर आपने इसको बना लिया तो ये मार्क आपके पक्के हो जाएंगे। तीसरी जो मैंने बात आपसे कही है कैलकुलेशन स्पीड की, क्योंकि मैथ्स में डिसाइडिंग फैक्टर कैलकुलेशन स्पीड भी है। ऐसा नहीं है कि आपने सवाल तो आपको सारे आते हैं पर आपने 90 मिनट पूरे के पूरे मैथ्स को दे दिए, ऐसा भी नहीं करना। तो इसलिए आपने कैलकुलेशन स्पीड को तेज करनी है और उसके लिए जो जरूरी वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप जरूर उसको देखें, ध्यान से सुने, और अपनी जो प्रैक्टिस है मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आप उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए, उसको आप शामिल कीजिए। अब मैं बढ़ता हूँ आगे का जो पॉइंट है मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। हाँ, इसमें मैं आपको बात कहूंगा ये भी मैंने पाया है कि काफी स्टूडेंट्स जो है सब स्टैंडर्ड बुक्स, सब स्टैंडर्ड कोचिंग और सब स्टैंडर्ड तरीकों से पढ़ते हैं। और ये वाली बात मैंने आपको कॉमन जो लेक्चर था उसमें भी बताया था कि आपने कोई शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में अपनी तैयारी को बर्बाद नहीं करना है। अभी यहाँ पे हम जो आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे उसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, कैसे उसको सिंपल करना है, कैसे फास्ट करना है वो बताएंगे। होता ये है अक्सर दोस्तों कि जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ प्रॉफिट लॉस का, तो प्रॉफिट लॉस में जो सब स्टैंडर्ड तरीका है, जो गलत तरीका है वो ये कि आप हर एक केसेस के लिए हर एक अलग अलग फॉर्मूला बना लेते हैं
और वो फॉर्मूले इतने कन्फ्यूजिंग होते हैं, उनको याद करना, उनसे गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और उनमें कॉन्सेप्ट भी नहीं होते, क्योंकि मैथ्स रटने वाली चीज़ नहीं है, मैथ्स कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज़ है। तो इसमें मैं आपको जो हमने जो वीडियो लेक्चर बनाया आपको, जैसे प्रॉफिट लॉस है तो उसमें कुंडली मेथड है, और उसमें एक ही कुंडली लगती है, एक ही सिस्टम लगता है, और उससे पूरी की पूरी प्रॉफिट लॉस आपकी हो जाती है, मतलब गारंटी रहती है कि वो सवाल उससे होना ही होना है। और सिर्फ छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन सी जगह कैसे रखनी है, कुंडली कैसे बिठानी है। तो उसके बारे में जो वीडियोस लेक्चर्स है हमारे प्रॉफिट लॉस के, वो पूरे कंप्लीट इस लिंक में आपको मिल जाएंगे। एक बार आप पूरा उसको देखिए, पूरे पार्ट, उसके चार पार्ट है, उस पूरे चार पार्ट को देखिए, आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिट लॉस से अगर क्वेश्चन आते हैं तो किस प्रकार से आप उनको हल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बात कही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, कि मैथ्स की प्रिपरेशन आप जो कर रहे हैं तो क्या क्या आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो एक बार मैं फिर से सम अप कर देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पहला मेरा पॉइंट है कि आप समझिए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात मैंने आपसे ये कही है कि लॉगरिथम के बारे में बताया, और उसकी मैं वीडियो आपको दूंगा। तीसरी बात मैंने आपको कही कैलकुलेशन स्पीड की, क्योंकि मैथ्स में ये जरूरी नहीं है कि आपने सारे सवाल कर लिए, ये भी जरूरी है कि कितने कम समय में आप उन सवालों को बना पाते हैं। तो कैलकुलेशन स्पीड एक बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर होता है। और चौथी बात मैंने कही दोस्तों कि आपका जो तरीका है, जो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कही थी बात कि मेहनत कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, किस दिशा में कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊंगा कि राइट अप्रोच क्या है मैथ्स के सवालों को करने की, क्या कैसे कम से कम समय पे आप सवालों को एक्यूरेटली कर सकते हैं। और ये जो 20 मार्क्स है दोस्तों, अगर आपने ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कर लिए और अच्छे मेथड से कर लिए, फास्ट करने की प्रैक्टिस कर ली दोस्तों, तो ये 20 मार्क्स आपके पक्के हैं। और मैथ्स के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा बात कि मैथ्स एक ऐसा विषय है कि हाँ, इसमें समय तो लगता है कि भाई और विषयों से ज़्यादा समय तो लगता है, पर ये मैं गारंटी कह रहा हूँ कि अगर आपने इस प्रकार के सवाल कर लिए, जैसे एवरेज वाले सवाल जो लोको पायलट के एग्जाम में आ रहे कर लिए, रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल कर लिए, तो कोई भी कारण नहीं है कि आप ये 20 मार्क्स नहीं पा पाएंगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है, सारे के सारे जो 19 टॉपिक्स है, इसको आप कर लीजिए इनको, और जो हम सवाल इसमें करवाएंगे और जो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पैटर्न के अनुसार, उसको आप कर लीजिए, तो ये 20 मार्क्स आपके पक्के हैं, ये कहीं आपके आपसे कहीं जाने वाले नहीं है। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में जैसे मैंने आपको बताया था कि तीन फेज में हम बात करेंगे। पहला, मैथ्स के सिलेबस के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, वेटेज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में, वो मैंने आपको बता दिया। सेकेंड पॉइंट था हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कैसे तैयारी करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से टॉपिक से कितने सवाल आएंगे, कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैंने आपसे बात बताई। एंड थर्ड जो पॉइंट है हमारा दोस्तों, वो है बुक्स एंड स्टडी मटेरियल, कि कौन सी बुक एंड कौन सा स्टडी मटेरियल हम लोग रेफर करें जिससे हम ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाए। तो सबसे पहले जो बुक की बात है, तो बुक में मैं आपको जो बेस्ट बुक बता रहा हूँ आपके ALP को क्रैक करने के लिए, वो है हमारा विश्व की पहली कुंडली गणित पुस्तक। इसमें दोस्तों आपके 6 चैप्टर कवर हो जाएंगे, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, मिश्रण, आपका लाभ हानि, आपका बटा और आपका आयु। और ये बुक की खासियत ये है दोस्तों, इसमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूले टाइप से कंफ्यूज आपको नहीं किया है, एक कुंडली सिस्टम बताया गया है और बहुत ही अच्छा मेथड है, इससे फटाफट आप सवाल को कर सकते हैं। तो इस पुस्तक को आप जरूर खरीदें और जरूर इससे पढ़ें, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो पहला जो मैंने आप पॉइंट था मेरा, कुंडली गणित पुस्तक आप जरूर लें। ये अभी इसका हिंदी वर्जन है और इसका इंग्लिश वर्जन भी अभी आ जाएगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश वर्जन भी इसका ले सकते हैं। तो पहली बात मैंने आपके कह दी है कोर्स मटेरियल के बारे में। सेकंड बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो लेक्चर सीरीज के बारे में आपसे बात करूंगा इसमें। सी, आप बुक से तो पढ़िए पढ़िए, या फिर और भी कोई बुक है उससे आप मैथ्स पढ़िए पढ़िए, पर एक सर से पढ़ना, एक टीचर से पढ़ना, एक गाइड से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है मैथ्स खासकर। और वो इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको मालूम पड़ता है कि सवाल के करने के कितने तरीके होते हैं, कौन सा बेस्ट तरीका होता है, कैसी अप्रोच होती है, सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो वो एक
प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ेंगे तभी वो आपको क्लियर हो पाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। तो हम थ्योरी टू प्रैक्टिकल जो है वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराएगी, और जो 19 टॉपिक्स हमने अभी डिस्कस करे थे पूरे परसेंटेज से शुरू होकर आपका बोर्ड तक के सभी टॉपिक की हमारी पास में वीडियोस है, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सभी टाइप के सवालों को लिया हुआ है। तो अगर आप उन वीडियो को देखते हैं, उन लेक्चर्स को सुनते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होते हैं, आपको ये भी समझ में आता है कि सवाल को कैसे अप्रोच करना है, क्या कॉमन मिस्टेक बच्चा करता है वो भी हमने इसमें बताया है, सारी बातें इसमें आपको क्लियर होंगी। तो वीडियो लेक्चर्स है आपके 19 टॉपिक्स जो मैंने बताए, उन सभी 19 टॉपिक्स के हमारे पास में वीडियो लेक्चर है, आप उनको ध्यान से करें और कॉपी किताब लेके, कॉपी और पेन लेके वीडियो लेक्चर सुने, और जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं सर तो उसको करते जाए और लिखते जाए और समझते जाए। तो एक तो हम लोग आपको ये प्रोवाइड करेंगे इसमें, इस कोर्स में 19 टॉपिक्स का आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा ALP के हिसाब से। सेकंड दोस्तों, इस कोर्स जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्स मटेरियल, इसमें हम लोग आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि इन 19 टॉपिक्स के 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे। मतलब यहाँ पे जो थ्योरी भी है और यहाँ पे आपके क्वेश्चंस भी हम आपको कवर कर रहे हैं, पर साथ ही साथ में हम अलग से 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तो हम आपको इसमें प्रैक्टिस सेट देंगे, ठीक है, हम आपको इसमें प्रैक्टिस सेट देंगे हर टॉपिक के, 19 इंटू 11 टॉपिक्स के हम आपको देंगे। और आपको इसके अलावा, इसके साथ ही उसके आंसर भी होगा और इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों हर एक टॉपिक से अगर आप 11 क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि आप कर रहे हैं दोस्तों 209 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इससे आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। आप बोल रहे होंगे सर आपने 209 कैसे इतनी जल्दी गुना कर सकते हैं, देखिए 19 इंटू 11 आप करेंगे किसी चीज़ को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए, उस नंबर को लिख दीजिए 1 और 9 और इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाता है 10, 0 यहाँ पे और ये 1 यहाँ पे, 209। तो ये 209 क्वेश्चन आपके लोको पायलट स्पेशल होंगे, जो लोको पायलट एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इस सारे टॉपिक्स की, इन 19 टॉपिक्स की, ठीक है। तो और इसके साथ में ही आप पहले खुद प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में अगर आप सवाल नहीं बनता है या फिर बेस्ट मेथड देखना है तो इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप उस वीडियो सॉल्यूशन को से भी देख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी दूसरी बात। तीसरी बात जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस कोर्स मटेरियल में, मैथ्स के कोर्स मटेरियल में, वो ये है कि हर एक स्टूडेंट जैसे हमारे बैच में हजारों स्टूडेंट्स हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए, तो हर एक स्टूडेंट एटलीस्ट कम से कम 10 क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट ने 10 सवाल पूछे, ठीक है, अब उसका सॉल्यूशन या तो बाकी स्टूडेंट्स देंगे या फिर हमारी टीम देगी उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है, तो आपके जो 10 डाउट्स है वो आपके क्लियर होंगे, ठीक है। इसके साथ ही आपने पूछे, जैसे आपका नाम राम है और आपने पूछे 10 क्वेश्चन पूछ लिए, इसके साथ ही जो बाकी बच्चे हैं जैसे श्याम है, घनश्याम है, रोहित है, उन सबके जो क्वेश्चंस उन्होंने जो पूछे हैं और उनके आंसर जो हमने यहाँ पे दिए हैं, तो उनकी भी आप डिस्कस कर सकते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आप हजारों टाइप के डाउट्स, हजारों टाइप के क्वेश्चंस जो बच्चों के मन में आते हैं तो वो आप क्लियर कर पाएंगे। तो ये एक फैसिलिटी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको मिलेगी इस लेक्चर के साथ में, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस हर एक स्टूडेंट पूछ भी सकता है और बाकी स्टूडेंट के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को भी और उनके आंसर को भी जान सकता है। चौथी बात जो हम इसमें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो है व्हाट्सएप एंड फेसबुक का जो ग्रुप है हमारा, वो मतलब इसमें क्या होगा दोस्तों कि आपकी नेटवर्किंग होगी बाकी हजारों स्टूडेंट से जो लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, और इससे ये होगा कि अगर मान लीजिए एक पर्सन को एक डाउट आ रहा है तो उसने वो पूछा, फिर एक पर्सन ने उसका आंसर बताया, फिर किसी और स्टूडेंट ने उससे का और बेटर आंसर बताया, तो वो जो डिटेल एनालिसिस होती है चीज़ की, किस प्रकार से सवालों को कर रहे हैं, कौन से और बच्चे किस प्रकार के सवालों को कर रहे हैं, कैसी उनकी तैयारी चल रही है, तो वो सारी एनालिसिस आप इजीली इसमें हो पाएगी। एक नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी होती है इन टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए, और जिससे क्या होता है कि आपके जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसकी जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। तो ये भी मैंने आपसे बात कही। तो देखिए
आप जो ये बुक तो आप लीजिए लीजिए, कुंडली गणित पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसके साथ ही जो वीडियो लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपके ALP के लिए, जिससे आप 20 मार्क्स मैथ्स के श्योर ले पाएं, वो एक तो आप 19 टॉपिक्स जो हम करवाएंगे विद स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेक्चर है 19 टॉपिक्स की, इसको आप पढ़िए। सेकेंड बात है 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लोको पायलट में आए हुए हैं हर एक टॉपिक से हम लोग आपको करवाएंगे। थर्ड जो है एटलीस्ट 10 डाउट आप पूछ सकते हैं और बाकी बच्चों के भी डाउट आप देख सकते हैं। चौथा जो हमारा पॉइंट होगा यहाँ पे दोस्तों, वो है व्हाट्सअप, हमारा फेसबुक पेज के बारे में मैंने बताया, जिससे आप बाकी स्टूडेंट से भी डिस्कस कर सकते हैं, उनसे भी आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कवर कराया है सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड बुक्स एंड स्टडी मटेरियल फॉर हाउ प्रिपेयरिंग मैथ सेक्शन फॉर आपका असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम। दोस्तों कोर्स मटेरियल के साथ में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें, और जैसे मैंने कहा है आपको हमारे कॉमन जो मैंने ट्यूटोरियल बनाया था ALP के लिए, तो एक टेस्ट सीरीज तो हमारी ऐप में फ्री है ही, और बाकी हम लोग 5 सेट और देंगे आपको अगर आप भी टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशन लेते हैं उसमें। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि टाइम में एक गिवन टाइम जो है आपका, उसमें आप मैथ्स को किस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपको स्पीड तेज बढ़ानी है या फिर और कैसे बेटर करना है, वो सारी बातें आप जान पाएंगे अगर आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते हैं। और इससे जब आप एक्चुअल एग्जाम देंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो कम्फर्ट लेवल है, वो बहुत ऊँचा होगा जब आप एग्जाम दे रहे होंगे। तो ये मैंने आपको बात बता दी कोर्स मटेरियल की, जिसमें बुक, वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज, मतलब कंप्लीट पैकेज है, आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इस वीडियो ट्यूटोरियल को मैं समाप्त करता हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको समझाई दिए। अब मैं आपसे बात कहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो उनका पास ये मौका है कि अगर आपके 14 मार्क्स आ रहे हैं और आप 20 मार्क्स छोड़ रहे हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इनको आप करते हो ढंग से हर एक चैप्टर्स को, 19 चैप्टर्स को, तो 14th पे मत अटकिए, आप 20 ला सकते हैं तो 20 लाइए। और जो स्टूडेंट्स मैथ्स से घबराते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मैथ्स को पूरा ही छोड़ना है जिनको, तो उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि मैथ्स कोई हवा नहीं है, आप इन 19 चैप्टर्स को कीजिएगा, प्रैक्टिस सवाल कीजिएगा, 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कीजिएगा, तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब मैंने यहाँ पे कर लिया है इस प्रकार के क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम में भी वो क्वेश्चन आपके बनेंगे। बात सिर्फ ये है कि आपको सही डायरेक्शन मिलनी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि आपने उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एग्जाम में बस वो वैल्यूज ही बदली जाएगी, पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही होगा, तो ज़रूर आप ढंग से उसको पढ़ेंगे, ढंग से आप तैयारी करेंगे, तो आप मैथ्स में मान लीजिए अगर पहले 3 या 4 ही स्कोर करने की सोच रहे थे, तो हो सकता है 12, 13, 15 तक भी पहुंच सकते हैं जिनकी, जो मैथ्स को बिल्कुल ही छोड़ रहे थे। तो मैं कहूँगा कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एक श्योर शॉर्ट सब्जेक्ट है, मतलब कि अगर आपने वो चीज़ पक्की कर ली तो उसमें से आपका सवाल होना ही होना है। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों इसकी प्रैक्टिस मांगती है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट दीजिए, इससे जितने सब सवाल लगा सकते थे सवाल लगाइए, अपना एक नेटवर्क बनाइए, दोस्तों से बात कीजिए, जितने आप क्वेश्चंस करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस जो है मैथ्स की अच्छी होगी, और ये जो 20 मार्क्स का जो एम है वो आपका पूरा होगा। तो इसी के साथ मैं आपको आगे और जो ट्यूटोरियल्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, फिलहाल आप जो यूट्यूब का जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस की मेरी वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखें, पूरे 4 पार्ट उसको देखें, और आपको अच्छा लगता है कि हाँ मेरे को फ़ायदा होता है, तो ज़रूर इस वीडियो लेक्चर्स को लीजिए, अपने मार्क्स को आप जो है अच्छा कीजिए, और एग्ज़ाम डेफिनेटली मेरी पूरी विशेष है आपके साथ में, पूरा शुभकामनाएं आपके साथ में, आप मेहनत करें, सही दिशा में करें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा चाहता हूँ, ओके बाय।